तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं कैलपॉल। कैलपॉल पैरासीटामोल का पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन है, जो कैलपॉल 150 के नाम से मार्केट में मिलता है। ये पीडियाट्रिक डोज के लिए बनाया गया है, यानी बच्चों के यूज़ के लिए बनाया गया है ये सिरप। तो इसके रिव्यू के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा गया है नाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, यानी दर्द और बुखार के लिए बच्चों में इसको यूज़ किया जाता है। और इसको कौन सी कंपनी बनाती है और इसमें कौन कौन सी केमिकल्स या कौन कौन से ड्रग मिला होता है, ये इसका ओवर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं आज। और इसका यूजेस क्या क्या है, कैसे यूज करना है, कितना डोज लेना है, सबके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लेबल की बात करते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इसका पैरासीटामोल पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन IP 120 mg, यानी हर 5 ml में ईच 5 ml कंटेंस 150 mg ऑफ पैरासीटामोल, यानी 150 mg पैरासीटामोल इसके हर 5 ml में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको कौन सी कंपनी बनाई है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कंपनी GSK कंपनी आती है, गैलेक्सो स्मिथ काइन, एक बहुत ही फेमस ब्रांड है जिसका बेटनोबेट वगैरह भी आता है। बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत सारी क्रीम वगैरह ये कंपनी बनाती है। और उसी कंपनी का ये जो सिरप है पैरासीटामोल का ओरल सस्पेंशन, बच्चों के लिए दर्द और बुखार में यूज़फुल है। फ्लेवर्ड सिरप है इसमें, देखिए जैसा कि ये मेरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो सिरप है 60 ml का पैरासीटामोल का पीडियाट्रिक यूज़ के लिए, बच्चों के यूज़ के लिए, उसका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके डोजेस की। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया, कुछ इंडिकेशंस हैं कि डोज जो है वो स्टेटेड डोज, यानी कहे गए डोज के अनुसार, उससे ज़्यादा डोज आपको नहीं लेना है। और साथ 24 घंटे के अंदर सिर्फ आपको 3 बार ही, 3 दिन के अंदर इसको सिर्फ और सिर्फ अब बिना प्रिस्क्रिप्शन के सिर्फ 3 दिन ही यूज़ करना है आपको, इससे ज़्यादा ये यूज़ नहीं करना है। यानी अगर आप ले रहे हैं लगातार और 3 दिन में अगर आपको इसका इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसके आगे आप इसको नहीं ले सकते हैं, इसको आपको नहीं लेना है, आपको इससे ज़्यादा डोज आपको नहीं लेनी है। और साथ ही नीचे आपको देखने को मिलेगा कि ये डोज़ क्या कर इसको इस यहाँ पे स्टोर इसका कंडीशन लिखा गया है कि इसको स्टोर कैसे टेम्परेचर में करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर एट टेम्परेचर एट एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस, यानी 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर में इसको नहीं रखना है। और इसको क्या करना है, फ्रिज में भी नहीं रख सकते आप, तो 30 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके इसको रखना है, नहीं तो इसका केमिकल ख़राब हो जाएगा। सेक वेल बिफोर यूज, यानी पीने से पहले इसको बहुत अच्छे से सेक भी करना है, ये सब इसके इंस्ट्रक्शंस हैं। और इसका डोज जो है वो डायरेक्टेड बाय फिजिशियन है, किसी भी फिजिशियन के डायरेक्शन के बिना इसका यूज नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बताया कि GSK कंपनी इसको बनाती है, गैलेक्सो स्मिथ काइन एक बहुत ही फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इसको बनाती है। यहाँ पे आपको डोज देखने को मिलेगा कि वेट के अकॉर्डिंग डोज यहाँ पे लिखा गया है कि 10 से 9 kg का अगर कोई कोई बच्चा है तो इसको 6 ml पिएगा, 11 से 12 kg लगभग है तो 5.5-6 ml, 12 से लगभग 13 kg का अगर है तो 7.5 ml पिएगा, और 13 से 15 kg का है तो 8 ml, 14 से 16 kg, 15 kg का है तो आपको 8.5 ml, और 15 से 16 kg का है तो 9 ml, और 16 से 17 kg का है तो 10 ml, और 17 से 18 kg का है तो 10.5 ml इसको पी सकता है कोई भी बच्चा। इसको आप दे सकते हैं इसको सर्दी और उसको सर्दी और सर्दी बोल रहा हूँ, अगर इसको बुखार है और साथ ही साथ उसको दर्द है तो इसका यूज आप कर सकते हैं उसके लिए। अब देखते हैं इसका कितना प्राइस है और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह देख लेते हैं, इसका एक्सपायरी वगैरह। तो इसका प्राइस है आपको 35 रुपये 54 पैसे, इसको आपको ये रिटेल प्राइस आपको मिल जाएगा, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। और इसको कौन सी कंपनी बनाई है, गैलेक्सो स्मिथ कंपनी बनाई है, ये आपको इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आप इसके यूज़ से आप इस पी सकते हैं, ये आपको एक कॉक मिलेगा जिससे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पेडियाट्रिक यूज़ के लिए बनाया गया है और दर्द और बुखार के लिए बच्चों में इसको यूज़ किया जाता है। एक बात ध्यान रखें कि बिना किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या आप खुद से इसको जरूर यूज़ ना करें, और यूज़ करने से पहले इसको अच्छे से सेक कर लें। तो ये रहा आज का रिव्यू पैरासीटामोल सस्पेंशन यानी कैलपोल 150 के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें।